बच्चों को मैंने आज मैं एक विषय हिंदी हिंदी में 22 पाठ 22 पाठ में सुदामा चंद्र प्राणायाम का पहला कवि का कविता का अर्थ लिखवा चुकी हूँ और कविता भी लिखवा चुकी हूँ क्योंकि बहुत लोग पास किताब नहीं है। आज मैं दूसरा पंक्ति कविता का अर्थ ऊपर से आपको लिखी हूँ।
यह व्रत का दूसरा पंक्ति कविता का अर्थ लिख दो, इसे एक बार पढ़ ध्यान से सुनिए। द्वारपाल से सुदामा पांडे नाम सुनते ही श्री कृष्ण राज का छोड़कर ऐसे दौड़े कि उनके मन की अवस्था को कौन समझ सकता है। आज द्वारका के राजा हाथ जोड़ते हुए दौड़े और उन्होंने सुदामा के पांव पकड़ लिए। दुख भरे भाव से श्री कृष्ण ने सुदामा को छाती से लगा लिया। उनकी दोनों आंखों में आंसू भर आए और वे सुदामा से पुत्र पूछने लगे। ब्राह्मण सुदामा बोले कि विपत्ति में आपके सेवा और कौन पहचान सकता है। हे दया के सागर, जो व्यवहार आपने किया वैसा कौन कर सकता है। कहने का अर्थ यह कि जो बचपन के दोस्त होते हैं और बहुत प्यारते होते हैं, जब भी वह कहीं भी मिलते हैं किसी को तो बहुत खुशी होती है, बहुत प्रसन्नता और उस तरह। श्री कृष्ण और सुदामा बचपन के दोस्त थे, एक साथ रहना गुरुकुल में रहते थे, पढ़ते थे, इसलिए वह जब मिले तो उनको बहुत खुशी हुई। यही इस पर इसका कविता का अर्थ है। इसे आप लोग कॉपी में नोट कर दीजिए, आपको मन लगा कर पढ़िए। आप लोग का स्टेज चल रहा है, जो लोग पास आप किताब है आप लोग किताब से 500 क्वेश्चन से हिंदी के बना के और उसको ला कर स्कूल में जमा कर दीजिए। आपको मन लगा कर पढ़िए, ऐसे फ़ोन भी किया जाएगा, फ़ोन के माध्यम से भी आप लोग को बताया जाएगा। आप लोग क्वेश्चन तैयार करके उसके आंसर लिख के स्कूल में जमा कर देना है। मन लगा कर पढ़िए। आज के पूरी इतने होते, धन्यवाद।